Hi, good morning. My name is Pankaj Rathore and I'm working as a sales manager here in Geetanjali. So, if we talk about Geetanjali, we basically focus, we focus on the investors only. Like, we tell the clients like where they have to invest and in what kind of project they have to invest basically. So, we try to find out good outcomes like kahan pe wo paisa laga sakte hain aur kahan wo better returns pa sakte hain in terms of not only the ROI, कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो, टर्म्स आल्सो कि खरीदने के बाद फ्यूचर में उसका स्पेक्ट क्या रहेगा, क्या उसे बेचने और बेचने के बाद क्या फायदा मिल सकता है उस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम क्लाइंट्स को डिटेल से बताते हैं, सो हम उसी भी बात करेंगे बेसिकली। सो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लाइक देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट, राइट? सो वेर यू कैन इन्वेस्ट राइट नाउ, लाइक इन द स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, fixed deposits, or we have, you can say, real estate also, where we are working especially, as a Geetanjali we talk about. So, agar main baat karta hun, like real estate, specific real estate ki. So, abhi right now, jo hai, market really saturated hai, okay. But if we talk about the commercial will always give you the, you know, upper hand in terms of returns, if you're looking for the profit, okay, in the future. सो जैसे कि अगर नॉर्मल बात करता हूँ रेजिडेंशियल्स में, तो देयर यू आर गेटिंग अराउंड 2-3% ROI ओनली, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर अराउंड 60 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन लाइक लोकेशन, कहाँ पे आप ले रहे हैं, किस डेवलपर के साथ आप ले रहे हैं, प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हैं, ठीक है। सो वही आप कमर्शियल की मैं अगर बात करता हूँ, तो ROI आपकी सीधा 2-3 से सीधा जंप करती है आपका 7-8% पे, okay, so it's a kind of good returns where you can get easily. और shops की बात करता हूँ, अगर मैं इसमें capital appreciation की, which also kind of double, अगर जैसे कि investment अगर normally हम घरों में करते हैं, तो shops की जब आप सेल आउट करोगे तो उसका आपको capital appreciation भी ज्यादा मिलेगा, resale value I'm talking about. So ये सारी चीजें रहती हैं, आप बाकी डिपेंड करता है कि आप कहाँ कमर्शियल में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी लोकेशन क्या है, और अगर जैसे मान लो कि अगर वो रोड ऑन रोड प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आपको जो है रिटर्न्स और उसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर ऑल्सो कि आप किस बिल्डर के रिनाउंड के साथ करते हो, तो डेफिनेटली उनकी लीजिंग टीम भी अच्छी होगी जो आपके शॉप को भी चढ़ा के देगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है एज ए बिफोर इन्वेस्टिंग इन कमर्शियल। और भी कई सारे एस्पेक्ट है जो डिटेल से हम क्लाइंट को ब्रीफ करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ऑल्सो कि जो सामने वाला बंदा है आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, कि उस प्रोजेक्ट की बिल्डर कैसा है, उसकी लीजिंग टीम कैसी है, कैसे ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में क्या क्या ऑफर कर सकता है आपको, आने वाले सराउंडिंग डेवलपमेंट्स क्या है उस प्रोजेक्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैटर है आपको, जब तक इन सब चीजों की नॉलेज ना हो आपको मुझे नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले आपको प्रॉपर ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए, एक अच्छे जो भी सेल्स का पर्सन होगा आपके पास या जो भी होगा वो आपको अच्छे से बताए, तभी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली। सो दैट्स इट।